हेलो गाइस, कैसा है आप लोग? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के बारे में। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा, जानिए किन किन खिलाड़ियों को मिला है टीम में मौका। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 28 अगस्त को खेलना है। टीम में विराट कोहली की हुई वापसी। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा समेत इस अहम इवेंट के लिए कुल 15 सदस्य टीम का चयन किया गया है। इस टीम में केएल राहुल की हुई वापसी, जो इंजरी की वजह से टीम से दूर चल रहे थे। वहीं विराट कोहली की भी टीम में वापसी हुई है, जो वेस्टइंडीज दौरे पर भारतीय टीम के साथ नहीं थे। इस दौर में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया गया है, तो वहीं आवेश खान को टीम में मौका दिया गया था। बुमराह और हर्षल पटेल को इंजरी की वजह से टीम में मौका नहीं दिया गया था। दिनेश कार्तिक अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर एशिया कप 2022 के लिए चुने गए हैं, तो वहीं आर अश्विनी पर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया और उन्हें टीम में जगह दी गई। वेस्टइंडीज दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले साथी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने अक्षदीप को भी टीम में जगह दी गई है, तो स्पिनर रवि बिश्नोई को भी टीम में जगह बनाने में सफल रहे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।